नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आपका सलाहकार में। मैं आपकी सलाहकार हीना कौसर, MSc प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर। वर्तमान में मैं कृषि सलाहकार के पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में आम के फल में लगने वाले फल मक्खी, जिसके कारण कि आम के फलों के अंदर छोटे छोटे मैकेट्स या लार्वे कह सकते हैं, छोटे प्रकार के सूंडी, सफेद रंग के सूंडी लग जाते हैं, जिस कारण से वो फल खाने योग्य ही नहीं रह जाता है, इसके विषय में जानकारी देंगे कि इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार का केमिकल मार्केट में अवेलेबल है जो कि इसको एफिशिएंट तरीके से कंट्रोल कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो पसंद आने पर वीडियो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आम के फलों में सूंडी या लार्वे या मैगेट्स का निकलना ये बहुत ही कॉमन है। इसके मिल जाने से, इसके होने मात्र से जो फल की क्वालिटी है वो खराब हो जाती है, वो फल खाने योग्य नहीं रहता है। तो दोस्तों, ये आम की जो फल मक्खी होती है, इसके कारण से ये मैगेट्स, ये लार्वे इस आम के फल में पड़ जाते हैं। तो सबसे जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि आप फल मक्खी का कंट्रोल कैसे करें। फल मक्खी जब आम आपका जो है अभी अधपका ही होता है, या कह सकते हैं अभी पकने की ओर बढ़ रहा होता है, उस टाइम पर ये फल मक्खी आम के फलों के ऊपर अंडे दे देती है। अंडे देने के पश्चात जब आपका आम पकने लगता है तो उस टाइम पर ये अंडे हैच होते हैं। अंडे में से लार्वे सूंडी बाहर निकलता है और वो फल को खराब कर देता है। तो इस प्रक्रिया को, जो आपकी फल मक्खी है वो अंडे ना देने पाए, उससे पहले ही आपको ये कंट्रोल करना होता है। तो उसके कंट्रोल के लिए मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है टाइमिंग। दोस्तों, इसके कंट्रोल के लिए कम से कम 3 हफ्ते पहले आप जो फल को हार्वेस्ट करने वाले होते हैं, फल की आपको तुड़ाई करनी है, जिसको उससे पहले कम से कम 3 हफ्ते पहले आपको जो है इसमें आप आम में स्प्रे कराना होता है। स्प्रे के लिए केमिकल है आपका डेकामेथ्रीन 2.8% ईसी में आता है, इसकी आधी ml मात्रा, और एजाडायरेक्टिन, ये नीम का एक इंग्रेडिएंट है एजाडायरेक्टिन, इस 0.3% में मिलेगा, इसकी 2 ml मात्रा। इन दोनों को मिक्स करना होता है, डेकामेथ्रीन 2.8% ईसी की आधी ml मात्रा और एजाडायरेक्टिन की 2 ml मात्रा। प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको घोल बनाना है और इसको जो है हार्वेस्ट करने के 3 हफ्ते पहले आपको स्प्रे करवाना है अच्छी तरह से। पूरे जितना भी आपके बगीचे में पेड़ हैं आम के, उन सभी में आपको इसको स्प्रे कराना होता है, और इस प्रकार से आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो टाइमिंग मैंने आपको बताई है उस टाइम पर ही आपको इसका स्प्रे करना है। यदि आप लेट करेंगे तो इसका स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका मतलब फल मक्खी ने पहले ही अंडे दे दिए हैं और आपका फल इन्फेस्टेड हो चुका है। जब आप फल की तुड़ाई करेंगे, जब फल पकेगा तो उसमें अपने आप सूंडी आपको नजर आएंगे। तो ध्यान रखें, जो समय मैंने आपको बताया है तुड़ाई करने के, जब भी हार्वेस्टिंग करते हैं उससे एटलीस्ट 3 हफ्ते पहले आपको इन केमिकल्स का स्प्रे कराना है, तभी आप अपने आम के फलों को फल मक्खी के सूंडी से बचा सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।